ऐसा कैसे हो सकता है? अरे रामू क्या हुआ, इतना शोर शराबा कैसे मचा रखा है तूने? अरे मैं रोना धोना क्या हुआ? मैं सब कहा बताया आपको, हम क्या बताएं, क्या हुआ हमारे साथ बता कुछ, तभी तो मेरे को समझ में आएगा जब तू बताएगा। हमारी इज्जत मैम साहब, हमारी इज्जत की ड्रामा हो चुका है मैम साहब, इज्जत का बम बन चुका है हमारे। इज्जत का ड्रामा? हाँ। वो कैसे? अरे मैम साहब आपको तो पता ही है कितनी ठंड हो रही है बाहर, और ठंड का तो मौसम है, इस दिनों में भी ठंड नहीं पड़ेगी तो ठंड कब पड़ेगी? अरे मैम साहब लेकिन हमारे लिए ठंड ना बहुत हानिकारक है। अब आपको पता है जब से ठंड आई है ना, तब से जो हमारा जो वो चमचा है, चमचा वो चम्मच बन चुका है। चमचा चम्मच बन चुका है? हाँ। और ऊपर से आपको पता है मैं कितना देखभाल करता हूँ उसका, मैं अच्छा? पानी, हाँ मैं पानी तक डालता हूँ। हाँ, यहाँ तक कि मैं उसको पीटता भी हूँ, रगड़ता भी हूँ, लेकिन चमचे से वो चम्मच से चमचा नहीं बनता। ओ तूने बादाम बादाम कुछ ऐसी चीज खाया करना जिससे कि तेरे अंदर गर्मी रहे। मेम साहब अब हमारे पास ना पैसा कहाँ है जो हम बादाम काजू ये सब लाएंगे? तो तू मुझे बता दिया कर जब तुझे इस सब चीज की जरूरत हो करे तो। अब मेम साहब ये गर्मी से और आपसे क्या मतलब समझ नहीं ले, क्या मिला हुआ है ऐसा हमका? अरे तेरी चम्मच चमचा बन जाएगा फिर, तू मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा है? मेम साहब थोड़ा खुल के बताओगे तभी तो समझेंगे ना। अरे खुल के क्या मेरा मतलब है, तू ही रहे मेरे साथ और फिर तुझे मैं सुबह शाम बादाम दूंगी तो थोड़ी सी जान आएगी ना तेरे चमचे में। बादाम से जान आ जाएगी? हाँ बादाम बहुत गर्म रहता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मेम साहब देखिए हम तो इतने गरीब हैं, हमारे पास एक रुपया नहीं रहता, कहे कि आप जो हमारी तनख्वाह है वो बहुत टाइम बाद बाद देती हैं, और जब देती हैं तो खर्च हो जाती है, सामान ला नहीं पाते। और दूसरी चीज़ हमारे घर में ना हीटर है जो हम गर्मी लेंगे, तो आप कैसे देंगे गर्मी हमें? अरे तो हीटर की ज़रूरत क्या है, मैं हूँ ना, मैं हीटर से कम हूँ क्या बता? तो मैम साहब आप वैसे हीटर से कम तो नहीं है लेकिन गर्मी कैसे देंगे? गर्मी वो तो तू मेरे ऊपर छोड़ दे, अब तू ये बता। क्या बताऊँ? यही कि तुझे अब भी ठंड लग रही है मेरे पास होगी। मैम साहब मेम साहब पूरा कंधा जल चुका है हमारा, ऐसा लग रहा है कि बस पिघल जाएंगे अब। तो अब तो नहीं लग रही ना तुझे ठंड? नहीं। अब तो एक काम कर, अपने घर पर मत जाया कर, यहीं रहकर मेरे से जो पैसे वैसे चाहिए सैलरी दिया कर अपने मम्मा पापा को। एक बात बताऊं मेम साहब, माय बापू जी तो गांव में है लेकिन एक ना इस टाइम पे हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा जो चम्मच है थोड़ा चमचा की शेप में आ रहा है, आकार ले रहा है, धीरे धीरे टंटना रहा है। सच में? हाँ। मैंने बोला नहीं कि तू अगर बादाम ये सब खाएगा तो मेम साहब थोड़ा थोड़ा हमको लग रहा है ना थोड़ी और गर्मी चाहिए उसको, अगर और गर्मी मिलेगी ना तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, आज लगता आज सेप आ ही जाएगी उसकी पूरी की पूरी। अच्छा ऐसी बात है, तो बता मैं क्या करूँ फिर उसके? अरे मेम साहब अब हमको बताना पड़े तो फिर बहुत अजीब लगता है। अच्छा चल, तो अगर ऐसी बात है आज तेरा चमचा सीधा हो ही जाएगा नाइट में, नाइट तक का इंतजार कर। तो ठीक है मैम साहब हम नाइट तक का इंतजार करते हैं, लेकिन हाँ दिन मत करना क्योंकि आज हम ठुकवा पुकवा के अपना चम्मच को चमचा बनवाना ही चाहते हैं। आज मैं तुझे इतने एक्स्ट्रा बादाम खवाऊंगी ना कि तेरी चम्मच सीधी हो जाएगी। ठीक है? ठीक है मैम साहब मैं। ठीक है तू इतने रेस्ट कर। ओके रेस्ट मजे ले तू यहाँ पे। अरे मेरे इतनी ऐसी मालकिन सबको मिले, बताओ हमको गर्मी देंगी ठंड में, अपना ही बेड देकर चलेगी रेस्ट करने के लिए, तो आज हम फैल के सो जाएंगे। कैसे सोएं? ऐसे नहीं, ऐसे सो जाते हैं।